गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। बच्चों, आज आपका जीके का टर्न है, तो जीके में आज हम आपको कराएंगे कीपिंग फिट। कीपिंग फिट क्या होता है बच्चों? फिट माने होता है बिल्कुल फिट रहना, यानी कि तंदुरुस्त रहना। कीपिंग फिट यानी कि सुरक्षित एंड सुरक्षित अपने बॉडी को, अपने आप को किस तरह से आप फिट रख सकते हैं, ठीक है? तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। जीके की बुक आप ओपन कर लीजिए बच्चों, और मेरे साथ साथ ये वीडियो के साथ आप अच्छे से मेरे साथ साथ रीड करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। ओके बच्चों, तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा है चैप्टर नंबर 5, कीपिंग फिट। कीपिंग फिट, कीपिंग मीन्स होता है सुरक्षा, यानी कि हम अपनी बॉडी की सुरक्षा या अपने स्वास्थ्य की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हमें करनी चाहिए, वो हम आपको इस लेसन के द्वारा, इस चैप्टर में आज हम आपको समझाएंगे। ओके बच्चों, तो ये है हमारा चैप्टर फाइव कीपिंग फिट यानी कि सुरक्षित अपनी, मतलब बॉडी को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। ओके, तो वी शुड कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्थी, यानी कि हम अपनी बॉडी को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, है ना? फॉर दिस डू द फॉलोइंग रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से हमें डेली क्या करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी और हमारी बॉडी अच्छे से फिट रह सके और हम क्या कर सकें, अच्छे से निरोगी, स्वस्थ और निरोगी बन सकें, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें अपनी, जैसे कि मैं आपको कराती हूँ गुड हैबिट्स, हमारी गुड हैबिट्स, जिसे हम गुड हैबिट्स भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गुड हैबिट्स में हमारा क्या आता है, गुड हैबिट्स हैं जैसे हमें इन चीज़ों को अपने नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, PLAYING, प्लेइंग, क्या है? प्लेइंग मीन्स क्या होता है? खेलना। प्लेइंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? खेलना। तो हमें अपनी दिनचर्या में डेली आधा एक घंटा, पौना घंटा हमें खेलना भी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है ना? फिर है हमारा RUNNING, रनिंग। क्या है ये? RUNNING, रनिंग। क्या बन गया? रनिंग मीन्स क्या होता है? रनिंग मीन्स दौड़ना होता है। अगर हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इसको एक्टिवेट, इससे हमारा घूम, हमें थोड़ा सा दौड़ना भी चाहिए। ओके, SWIMMING, स्विमिंग। क्या है ये हमारा? स्विमिंग। क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? तैरना, पानी में तैरना, यानी कि स्विमिंग करना, है ना? तो ये स्विमिंग भी हमारी अपनी दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए। फिर है हमारा CYCLING, क्या बन गया बच्चों? साइकिलिंग। क्या करना चाहिए? साइकिलिंग, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। फिर है हमारा EXERCISE, एक्सरसाइज। क्या बन गया है हमारा? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या आता है बच्चों? जैसे कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा माइंड भी सही रहेगा और हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी हमारे सही रहेगा, है ना? तो ये भी हमें अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, है ना? और बच्चों, अगर हमारी बॉडी, अगर हम सुरक्षित और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये, हमें अपनी रेगुलरली ये अपनी लाइफ में नियमित रूप से इनको फॉलो करना चाहिए। ओके, फिर है बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम अपनी बॉडी को और अपने आप को किस तरह से सेव रख सकते हैं, या हम अपनी बॉडी को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं, है ना? और क्लीन रखना चाहिए अपनी बॉडी को। तो कैसे रखना चाहिए? ये है कीपिंग हेल्थी, यानी कि अपनी बॉडी की सुरक्षा। फिर है वी मस्ट ईट द फूड विच इज क्लीन एंड हेल्दी टू ईट, यानी कि वी मस्ट
ईट द फूड, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पौष्टिक आहार लेना, यानी कि अच्छे से खाना खाना जो पौष्टिक खाना हो। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो नहीं बच्चों। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, है ना, जूस लेना चाहिए, फ्रूट जूस, है ना, और उसके बाद मिल्क लेना चाहिए डेली अपने रूटीन में शामिल। तो अच्छे से हम पौष्टिक आहार करेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, है ना, विच इज़ आर क्लीन एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को हमें सुरक्षा, अपनी बॉडी को हम कैसे, हमें साफ़ सुथरा भोजन और पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्विमिंग, स्विमिंग ये है स्विमिंग। तो बच्चों हमें स्विमिंग भी अपनी डेली रूटीन में, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा साइकिलिंग, ये है साइकिलिंग। बच्चों साइकिलिंग से क्या होता है, साइकिलिंग ये है हमारा साइकिलिंग। तो साइकिलिंग भी हमारी एक्सरसाइज में ही शामिल होती है, क्योंकि साइकिलिंग अगर हम चलेंगे तो इससे हमारे पैरों की जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं, है ना। तो हमें साइकिलिंग भी करनी चाहिए। फिर है हमारा रनिंग, मॉर्निंग जैसे ही हम उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। रनिंग भी हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छी होती है, है ना। फिर हमारा वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अच्छे से, जब तक हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कराएंगे तब तक वो ठीक से, कहते हैं ना रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज करने के लिए हमारा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जब तक हम सोएंगे नहीं, आराम से आराम नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो हमारा माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है ना। तो इसलिए वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए, है ना। फिर है वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन, ब्रशिंग यानी कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, अपने आप को साफ और स्वच्छ रखने के लिए ब्रशिंग, यानी कि अपने दांतों को हमें डेली ब्रशिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे दांतों में जम्स ना लगें, हमारे दांत अच्छे से रहें, है ना। अब ब्रशिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, माउथ अपना, आपका मुंह भी फ्रेश रहेगा। जब आप कुछ खाते पीते हैं पूरा दिन तो वो सारा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है ना सारा मुंह, और जम्स लगते हैं, खाना पीना सारा दांतों में अड़ जाता है, तो उससे क्या होते हैं, फिर जम्स लग जाते हैं और आपके दांत खराब हो जाते हैं, ओके। तो इसलिए हमें डेली ब्रशिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, टेक अ बाथिंग, यानी कि हमें डेली बाथिंग भी करनी चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए। बाथिंग मीन्स होता है नहाना, टेक अ शावर। अगर आपके यहाँ शावर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नहाना तो चाहिए ही, बाथिंग तो करनी है हमें, है ना। तो हमें डेली नहाना भी चाहिए, ओके। फिर है हमारा वॉशिंग हैंड, बच्चों अगर हम जो भी वर्क करते हैं तो हमें अपने हाथ अच्छे से वॉश करने चाहिए, वॉशिंग हैंड्स, यानी कि अपने हाथ हमें बार बार धोनी चाहिए, क्योंकि हम, हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा जर्म्स लगते हैं, है ना। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो हमें उसके तुरंत बाद ही अपने हैंड वॉश अच्छे से शॉप से धोने चाहिए, ओके। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर, ये हमारा हो गया बच्चों, हो गया। आई होप कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। तो बच्चों आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आप ये वीडियो बार बार देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।